नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, कुर्नी के नतीजे दिलचस्प होते जा रहे हैं और हमने जो एग्जिट पोल में टुडे बिहार न्यूज के महा एग्जिट पोल में जिस बात की चर्चा की वो आज कुर्नी के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें होते दिख रहा है। महागठबंधन के कैंडिडेट मनोज गुप्ता ने बढ़त बना ली है, वो लगातार आगे चल रहे हैं। 14वें राउंड की गिनती खत्म हो गई है और 1600 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। देखिए, बीजेपी के कैंडिडेट जो 9वें राउंड में पीछे हुए केदार गुप्ता, वो 14वें राउंड तक यानी कुल 5 राउंड की गिनती उसके बाद हुए हैं, वो आगे की ओर नहीं गए हैं। ये जो फासला है दोनों के बीच में बहुत ज्यादा का नहीं है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि इससे कम भी नहीं आका जाए, क्योंकि कुर्नी में लड़ाई बहुत टसन वाली थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कड़ी शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन अब तक के जो नतीजे हैं, 14वें राउंड तक के जो नतीजे हैं, 14वें राउंड में जनता दल यूनाइटेड के मनोज कुशवाहा आगे निकल रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी का जलवा देखने को मिला, हालांकि ये बढ़त कोई ज्यादा की नहीं है। 14वें राउंड में 1612 वोटों से आगे हैं जेडीयू के कैंडिडेट। जरा देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है। देखिए, 14वें राउंड की गिनती खत्म हो गई। 14वें राउंड में केदार गुप्ता को 47,810 वोट मिले हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। मनोज कुशवाहा जो कैंडिडेट हैं जेडीयू के, 49,435 वोट इन्हें मिले हैं। बड़ी खबर है आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, केदार गुप्ता को 47,810 और मनोज कुशवाहा को 49,435, 1625 वोटों से आगे 14वें राउंड की गिनती में मनोज कुशवाहा। देखिए, 13वें राउंड की गिनती में 1410 वोटों से वो आगे चल रहे थे। केदार गुप्ता को 44,809, मनोज कुशवाहा को 46,219। 12वें राउंड में 1552 वोटों से जेडीयू के मनोज कुशवाहा आगे चल रहे थे। यानी महागठबंधन ने जो बढ़त बना ली है, यानी अब महागठबंधन ने जो बढ़त बना ली है, 14वें राउंड की गिनती खत्म हुई है, 1625 वोटों से आगे हैं मनोज कुशवाहा। तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि अब जो 5 राउंडों से लगातार वो आगे की ओर चले, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। देखिए, क्लोज फाइट है, क्लोज फाइट है कुर्नी में, तो क्या अब और आगे पलड़ा पड़ने वाला है, क्या और आगे खेला होने वाला है? देखिए, अभी और नतीजे आने बाकी है, मात्र 14 राउंड की गिनती जो है वो खत्म हुई है। अब भी आप ये कह सकते हैं कि 23 राउंड की जो कुल गिनती होनी है उसमें मात्र 14 राउंड की गिनती हुई है। 9 राउंड की गिनती तो अभी बाकी ही है, 9 राउंड की गिनती अभी बाकी है। कुछ भी हो सकता है, खेला बदल सकता है, क्योंकि एक फासला जो होता है वो फासला अगर अधिक का हो तो आप ये कह सकते हैं जो लीडिंग कैंडिडेट है वो विनर हो सकते हैं, लेकिन आप ये भी ये नहीं कह सकते हैं कुर्नी के जो अब तक के नतीजे उसे देखकर कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, मनोज कुशवाहा महागठबंधन के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, लाइव अपडेट टुडे बिहार न्यूज पर जारी है। धन्यवाद।